12 सितंबर को हिंदी सिने संसार की बहुत ही संगीतमय जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब की पुण्यतिथि है। और मैं ये राज खोलूं हमारे श्रोताओं के सामने कि हमने जयकिशन साहब के आवाज को भी संभाल के रखा है, और आपको जानकर बहुत अच्छा भी लगेगा श्रोताओं। अशोक जी देखिए फिर से खजाने में से एक रत्न निकाल कर लाए हैं, और ये है बातचीत बड़ी छोटी, लेकिन कहते हैं ना गागर में सागर। 1964 की ये रिकॉर्डिंग है श्रोताओं, और हम आपको बता दें कि जयकिशन साहब से बातचीत कर रहे हैं मधुप शर्मा। तो आप सोचिए 1964 में तो हमारे बहुत से श्रोताओं का तो शायद जन्म भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हम 1964 की ये रिकॉर्डिंग आपके नजर करते हैं। जयकिशन साहब से बातचीत है मधुप शर्मा जी की। जयकिशन जी, फिल्मों में आप भी हीरो बनने के विचार से आए थे या कि संगीतकार बनना ही आपका मकसद रहा शुरू से? हीरो बनने का तो मुझे शुरू से कोई शौक था ही नहीं। संगीत का शौक बचपन से था। फिल्मों में आने से पहले मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था जी, लेकिन संगीत का शौक तो बहुत ज्यादा था ही। तो स्टूडियोज के चक्कर लगाना चालू कर दिया। अच्छा। एक बार मेरी मुलाकात मेरे पार्टनर शंकर से होगी। उन दिनों में मिस्टर शंकर पृथ्वी थिएटर में काम करते थे, तो वो मुझे वहां ले गए पृथ्वी थिएटर में। फिर हम दोनों एक साथ वहां पर एज ए म्यूजिशियन काम करते रहे वहां पर, और वहां हम मिस्टर राज कपूर से मिले, और हमसे पूछा गया कि कुछ जानते हो संगीत के बारे में तो मुझे सुनाओ कुछ। तो मैं और शंकर दोनों ने मिलकर कुछ धुनें सुनाई, कुछ गाने सुनाए, वो उनको पसंद आए और वहां से शुरू हुआ। अच्छा जयकिशन जी, क्या आप समझते हैं कि कोई भी आदमी अभ्यास से संगीतकार बन सकता है या ये ईश्वरीय देन है? ईश्वरीय देन बहुत जरूरी चीज है जी, अभ्यास उतना ही जरूरी है। अच्छा, जीवन में संगीत का क्या स्थान है आपके विचार में? मेरे ख्याल से जीवन में संगीत का स्थान बहुत ऊंचा है। हर मूड के साथ संगीत इतना मिला जुला है कि आप अकेले में अपना मन बहला सकते हैं, चाहे आप गरीब हो या चाहे अमीर हो। लेकिन संगीत एक किस्म का खाना है जो ये ना आपको दिमाग को शांति देने के लिए जरूरी है। अच्छा, आप और शंकर साहब दोनों साथ साथ संगीत तैयार करते हैं, लेकिन आपके काम का बंटवारा कैसे होता है? कभी कभी वो अपनी तरफ से कुछ करते हैं, कभी कभी मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ, कभी कभी दोनों मिलकर कुछ करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी जो है हम उसको और आगे संभालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आजकल का जो फिल्मी संगीत है उससे आपको पूरा संतोष है या आप उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं? बीच में कुछ वेस्टर्न संगीत बहुत ज्यादा आ गया था जी, लेकिन आजकल फिर लोगों ने गजलें और अच्छा सुगम संगीत लोगों ने पसंद करना चालू किया है। वरना क्या है कि हमारे जो सिर्फ क्लासिकल सिंगिंग है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि जिसको क्लासिकल संगीत, जिसको क्लासिकल की नॉलेज है जी, वही उसको समझ सकते हैं। बाकी लोगों को तो सीधा सादा संगीत जो यानी दिल पे लगे, ऐसा संगीत हम फिल्मों में देने की कोशिश करते हैं जो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, गीत से पहले तर्ज क्यों बनाई जाती है? गीतकार के छंद का मीटर कुछ एक ही सा होता है, तो कभी कभी हमें कुछ नया मीटर बांधने के लिए पहले तर्ज बनाते हैं, उसके ऊपर गीत लिखवाते हैं, तो उससे कुछ नयापन आता है। तो फिर नए गीतकार और नई आवाजों की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो उसमें भी तो कुछ नयापन आ सकता है? जरूर आ सकता है। जिसको फिल्मों में फिल्म सिंगर बनना हो तो उनके लिए जरूर चांस है, और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग मेहनत करें और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हम चाहते हैं कि नए सिंगर्स आए। राइटर्स के बारे में भी यही है कि नए नए गीतकार आने चाहिए। आपको भी उसमें कुछ त्याग तो यानी करना पड़ेगा, उस पर मेहनत। कोई भी नया आदमी अगर आता है जरूर जरूर हम तो चाहते हैं मेहनत करेंगे, मेहनत करें जरूर करेंगे, लेकिन यह है कि उनके ऊपर मेहनत की जाए जो है जिनपे कुछ कुदरती देन हो और कुछ उन्होंने प्रैक्टिस भी की हो, तो उनको हम जरूर चांस देंगे। अच्छा जयकिशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मसरूफ होते हुए भी आपने वक्त निकाला। नहीं जी, ये तो हमारा फर्ज है। आपकी बनाई हुई धुनें तो हमारे सुनने वाले सुनते ही रहते हैं। आज आपकी बातचीत सुनकर भी उनको बहुत आनंद हुआ होगा। नमस्ते जी। नमस्ते।
अशोक जी, जय किशन साहब के साथ मधुप शर्मा जी की ये बातचीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे और इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी सन 1964 में।